फोटो मारता पड़े वीडियो वाले पड़े उसे मस्त चलो चलो इधर बाजू राज ठाकरे जी के घर पे आए क्या कुछ विषय रहा और सब 1985 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ग्राउंड लेवल का वर्क करता हूँ, लेकिन राज साहब ये मेरा समझो गॉडफादर है और मैंने उनका काम देखा है, जमीन से लेके ऊपर तक काम किया और आवाज़ बोलेगा तो पूरा बुलंद आवाज़ जैसा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आवाज़ था वो उसी स्तर का आवाज़ है। सचमुच दिल से यह हो गया कि मैं इतना साल इंडिपेंडेंट था, लोगों के हमारे सार गांव के लोगों के वजह से हम लोग एक उनका एक वैल्यूबल वोट से मैं एक नगर सेवक बना और नगर सेवक बनते मैंने बदन पे घासलेट डाला था उस टाइम में बिजली लाने के लिए और बिजली ला के जो मुझे उस टाइम में ज्वाला मिली वो ज्वाला के साथ में आज से मैंने राज साहब का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद में मैं आज से वही ज्वलंत ज्वाला रख के आगे की काम करूँगा और ये काम से मनसे का झंडा ये कॉरपोरेशन में नहीं तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लहराने का मेरा सपना है वो पूरा करूँगा। आज सर आप मनसे की पार्टी में जो है राज ठाकरे के साथ जो है आप ज्वाइनिंग भी हुए, किस विषय को लेके ज्वाइनिंग हुए और क्या किस तरह से काम किया जाएगा? सब राज साहब निडर आदमी है, मेरे पर 105 केसेस है बम्बई शहर में, मैं आंदोलन करते हूँ जमीन स्तर के पर, बोले हिंदुओं का मुद्दे के पर बोलो, शिवाजी के मुद्दे पे, मेरे सार गांव के झोपड़पट्टी के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे मैं ये करता हूँ। जैसा निडर आदमी रहता है वैसा उसी पक्ष में जाने का मुझे बहुत इच्छा था और आज मेरा सपना साकार हो गया।